हाँ तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी यूज करते हो वीवो T2X 5G फ़ोन और आप अपने फ़ोन के अंदर 5G नेटवर्क यूज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि 5G सेटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों आज का यह वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर 5G नेटवर्क भी आएंगे और आप 5G का आनंद भी ले सकते हो, यानी कि दोस्तों आप 5G सेटिंग भी कर सकते हो। चलिए चलते हैं सेटिंग की ओर। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में भी 4G नेटवर्क आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी तुरंत आप लोगों को दिखाता हूं कैसे अपने फोन के अंदर 5G नेटवर्क को ला सकते हो एंड 5G नेटवर्क यूज कर सकते हो। तो यूज करने के लिए 5G सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन का सेटिंग में जाना है एंड फोन का सेटिंग में जाने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क पर टाइप करना है एंड जैसे ही मोबाइल नेटवर्क पर टाइप करते हो तो आपके फोन में अगर डबल सिम होगा तो आपके फोन में डबल सिम शो होगा एंड दोस्तों अगर आपके फोन में सिंगल सिम होगा तो आपको सिंगल सिम में शो हो जाएगा। अब दोस्तों आप जिस सिम के अंदर 5G नेटवर्क यूज करना चाहते हो, यानी कि लाना चाहते हो, 5G सेटिंग करना चाहते हो, सिंपली दोस्तों आपको उस सिम पे आपको क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे एंड आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है 5G नेटवर्क का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों अभी आपके फोन के अंदर क्या होगा ना, 4G 3G 2G में सेलेक्ट होगा एंड दोस्तों आपको क्या कर देना है कि फाइनली दोस्तों आपको 5G में सेलेक्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको क्या कर देना है कि 4G से आपको 5G में सेलेक्ट कर देना है। अब करने के बाद सीधे बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट का, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करके एंड दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से, अगर आपके फोन में जियो का सिम होगा तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आपको एक नया इस पे जनरेट पे क्लिक करके एंड दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है कि जियो का नाम लिखना है एंड 4G यहां पे लिख देना है एंड यहां पे आपको नेटवर्क लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे आप देख सकते हो मैं यहां पे किया हूं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या कर देना है, लिख देना है। अब लिखने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपके फोन के अंदर जो 5G नहीं चल रहे थे ना, दोस्तों आपके फोन के अंदर 5G चलना शुरू हो जाएंगे। बट दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क होना चाहिए, तभी दोस्तों आपके फोन के अंदर 5G नेटवर्क चलेगा।